सो दिस इज दी R15 बैकल पार्ट जो कि हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं गाइस। एंड Perfect 220 का लोगो लगा रहे हैं एंड दी फिट इज कंप्लीट। पीछे का रियर सेक्शन हो गया, रैप हो गया, अब एक तो स्क्रू दिया है, बस तीन पॉइंट, एक आप यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस सेट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग टनल व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो बीच में मैं पूरा गायब हो गया था क्योंकि भाई ये मॉडिफिकेशन करने में पूरा दिमाग का दही हो गया गाइस। अच्छा, तो ये V3 का काउल जो है हम लोग मलिक बाजार से लिया है एंड आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड रैप रैप कराते हैं। एंड ओवरऑल ये जो पार्ट है गाइस सिर्फ इंस्टॉलेशन एंड रैपिंग पार्ट है। फुल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, नेक्स्ट वीक में आने वाला है, तो फुल मॉडिफिकेशन वीडियो तो आएगा ही। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ हाउ आई इंस्टॉल दिस R15 V3 बैक पैनल इन माय पल्सर 220। सो चलो आपको दिखाते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। सो दिस इज दी R15 बैक कल पार्ट जो कि हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं गाइज। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे होल कर लिया हम लोग, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, तो देख सकते हो बैक में जो है यह पार्ट जो है रेस्ट ऑफ काट दिया गया है एंड इजी टू इंस्टॉल है। तो अभी सीधा आए हैं काका के स्टोर में, तो काका के स्टोर में यहाँ पे रैप वगैरह करवाएंगे एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग कैसा लग रहा है दिखाएंगे, एज वेल एज मैं इंस्टॉलेशन भी दिखा दूंगा आपको। एंड ये जो पार्ट है V3 का है, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसा लगता है दिखाते हैं आपको। सो चलो सीधा देख लो, तब तक रैप होता है तो कैसा रैप होता है, क्या क्या होता है, सो लेट्स गो। यहाँ पे जो है ये V3 का बैक काउल है, ठीक है, बैक पैनल बोल सकते हो आप। तो एज यू कैन सी देख सकते हो हमने जो है यहाँ से रेस्ट ऑफ पार्ट को कटआउट कर दिया, ठीक है, यहाँ से कटआउट कर दिया एंड इसके अंदर जो पार्ट रहता है और एक जो ग्रैब रील के साथ अटैच होता है एंड उसे भी कट कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमने दो होल्स किया है, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो एंड नीचे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 स्क्रूज वी विल अटैच दिस पार्ट। तो चलो रैप वगैरह करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा लगता है एंड उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन में दिखा देता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी देख सकते हो यहाँ पे दो होल करके हमने लगा लिया एंड रैपिंग इज कम्प्लीट। नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक तो स्क्रू दिया है, बस तीन पॉइंट, एक आप यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस साइड का मैंने नहीं लगाया है, आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा होल करके रखना होगा आपको, काउल में होल करना पड़ेगा, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं मालूम, ये देखो ऐसा एक होल करना पड़ेगा एंड स्क्रू की मदद से आप आराम से ये देख सकते हो। अंदर मैंने पेंट कर दिया, पूरा ब्लैक ब्लैक था एंड बाहर रैप करवा दिया उल्टा इसको, हाँ, तो ये देखो रैप करवा दिया, पूरा फिनिशिंग बढ़िया है। तो इसे अभी लगाते हैं एंड ये स्क्रू की मदद से लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। एक तो लगा के दिखाएगा सौरभ भाई, तो ही हेल्प्स मी अ लॉट, ये ढूंढने में भी बहुत पूरा मार्केट उसने घुमाया एंड तब जाके ये कम प्राइस में मिला हमें एंड अभी मॉडिफिकेशन करने में भी पूरा हेल्प कर रहा है भाई, बेचारा खिलाया पिलाया कुछ नहीं, सुबह से काम करवा रहा हूँ एंड इसकी वजह से पूरा जो है गाइस ये चीज़ मुझे मिला, पूरा मलिक बाजार अकेला ढूंढा है, ढूंढ के एकदम कम प्राइस में मेरे लिए लाया है
एंड अभी भी बहुत हेल्प किया इसे इंस्टॉल करने में। और एक बात बोल दे रहा हूँ गाइस कि इसे इंस्टॉल करने में पहले आप लोग पेंट करवा लेना, कटिंग जैसा मैंने दिखाया कटिंग कर लेना, पेंट करना, देन इसे स्क्रू अप करना, ठीक है गाइस। ये पूरा एकदम डायरेक्ट फिट है, तो ये स्क्रूज देख लो आप। तो यहाँ पे जो है स्टिकर लगाएंगे, अभी जो निकलवा रहे हैं तो वो निकलवाते हैं एंड देखते हैं फिर कैसा लग रहा है, देन मैं सिनेमैटिक दिखाता हूँ। गरीब क्या करे भाई, इंडियन देसी जुगाड़, क्या करूँ, पेंट करने में बोल रहे 800 रुपए, तो 900, मैं बोला 800, बोला नहीं होगा 900 ही लगेगा, तो इससे अच्छा तो हम तो हुआ ना भाई, भी लगे तो हो गया ना, वो ही बात है गाइस। हाँ सो वहां से निकलवाते हैं एंड देन देखते हैं कैसा लग रहा है आफ्टर इंस्टॉलिंग। सो गाइस फाइनली इंस्टॉल हो चुका है ये वाला पार्ट एंड पल्सर 220 का स्टिकरिंग लगा रहे, और हम ना गाइस अभी पल्सर 220 का लोगो लगा रहे हैं एंड दी फिट इज कंप्लीट। V3 का रियर सेक्शन हो गया, रैप हो गया, सो देखो एंड कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना कैसा लग रहा है एंड सिनेमैटिक में दिखा रहा हूँ बाद में आपको ओवरऑल, एंड उस साइड का लगा लेते हैं। Going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit, that's why I'll make it to the top, yeah I commit, and no I'm never getting lost, I get after it, investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits, go let me spend everything that you see is something I invent. So guys finally देख सकते हो sticker work is over and panel का installation भी हो गया and ऊपर 220F लिखा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एंड उसके नीचे ही पूरा एकदम ट्रायंगुलर स्ट्राइप देख सकते हो, लुक कैसा आ रहा जरूर से बोलना गाइस। एंड ये देखो यहाँ पे भी बोथ साइड मैंने ऐसा लगाया है, तो जल्दी से एक सिनेमैटिक देख लो देन वीडियो क्लोज करते हैं गाइस। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all All I got is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gone. सो गाइस कैसा लगा वीडियो, होप सो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड इस बारे में अगर कुछ भी पूछना हो देन डीएम मी एट इंस्टाग्राम, नीचे आईडी स्प्लैश हो रहा होगा, देख लो फॉलो कर लो भाई को, ऐसे मॉड रिलेटेड एंड मोटो ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा इस चैनल में। सो टिल देन बी सेफ, स्टे ट्यून्ड टू थर्डल ब्लॉग्स, दिस इज अरिंदम साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय।